नहीं यकीन आता तो गजनफर तौसवी का वो क्लिप यूट्यूब पे जाके सुन लीजिए। इंडिया हैदराबाद के दौरे में वो कहता है, तुम नमाज रोजे की बात करते हो, हशर का मंजर दिखाऊं? हशर के अंदर नमाज कांपती फिर रही होगी, रोजे लरसते फिर रहे होंगे, हज लाठियों के बल गिरता पड़ता फिर रहा होगा। वहां अगर किसी को हशर में निजात मिलेगी तो सिर्फ उसको, जिसकी जुबान पे या अली या अली या अली का नारा होगा। ये मेरी आलमाना जमानत है और इल्मी दियानत से मौलाना कहने लगा हूं, मैं मैदान कयामत में तुम्हें दिखाऊंगा नमाजों को तपे लर्जा चढ़ा हुआ होगा। यकीन मानिए, रोजों को यरकान हो जाएगा, हज लाठियां पकड़ के चल रही होगी और उस वक्त भी मैदान कयामत में बचने का यही विर्द होगा, या अली या अली या अली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ। मैं आपकी चेहरों पे, आंखों पे पड़े हुए इन पर्दों को हटाकर इन मुजरिमों की तस्वीरें, इनके क्लिप इसलिए दिखाता हूं कि यकीन आपके दिल की वादी में उतर जाए कि ये दुश्मन अल्लाह के दुश्मन है, ये कुरान के दुश्मन है, ये तौहीद के दुश्मन है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के दुश्मन है। और सऊदी अरब से दुश्मनी की बुनियादी वजह यह है कि यहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह का आवाजा गूंजता है। यही गजनफर मुजरिम कहता है खैबर के मैदान में जब जंग भड़क उठी तो अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही करके कहा, नादे अलीयन, नारा मार या अली, मदद का तू भी। फिर खुद ही कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अली के भी मौला हैं, अली बहुत बड़े मौला हैं लेकिन मोहम्मद अली के भी मौला हैं, फिर अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों कहा नादे अलीयन? कहा इसलिए कि अल्लाह की सुन्नत है, मदद उस वक्त आती है जब कोई या अली मदद कहे। मोहम्मद को भी मदद की जरूरत पड़ी तो उसने या अली मदद कहा तो मदद मिली, वैसे नहीं मिली तो क़यामत तक के लिए जिसको मदद चाहिए उसको या अली मदद कहना पड़ेगा। मेरे कौम के ये बच्चे भी जानते हैं, मकबूल इतना सा था, सुना सुनने लगा, फिर खुद किताबें पढ़ने की तौफीक मिली तो खुद भी देखा कि खैबर में अल्लाह ने हुक्म के लहजे में अपने महबूब से कहा था, नाओ दे अलीया, कहा था, कहा था, पीछे वालों कहा था, जो मोमिनीन खड़े हैं कहा था, अली अली करते हैं फरिश्ते और अल्लाह से खिलाफत मांग लेते हैं, है? आदि हो जाओ इसके। तो जब रसूल जैसे इज्जतदार को नारे की माफी नहीं है तो मुझ जैसे झूठे इज्जतदार को कैसे होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ। हकीकी सूरत हाल यह है कि ये तौहीद के दुश्मन, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के दुश्मन, इसीलिए दुश्मनी करते हैं बैतुल्लाह से। और इनके ऊपर कुरान हकीम के ये आवाजें बड़े फिट उतरते हैं, قد بدت البغضاء من افواههم, इनके अंदर की छुपावा, इनके अंदर का छुपावा बुग्स इनकी जुबानों से जाहिर हो गया है। नहीं यकीन, मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब को खोल के पढ़िए, बारहवें इमाम की कारिस्तानियां सुनिए। वो बारहवें इमाम के बारे में कहता है कि जब हमारा इमाम महदी जाहिर होगा, कायम आले मोहम्मद आएगा, तो हम यहूदियों से पहले, ईसाइयों से पहले, मुशरिकों से पहले, सनम परस्तों से पहले, अहले सुन्नत से जिहाद करेंगे। यमन की यह सूरत हाल आज बैतुल्लाह के इर्द गिर्द शियत को फैलाने के ये मंसूबे क्यों है, इनको इनके बड़ों ने तालीम दी है कि जब बारवा इमाम गायब जाहिर होगा वो ना यहूदियत को कुछ कहेगा, ना नसरानियत को कुछ कहेगा, ना सनम के पुजारियों को कुछ कहेगा, वो सबसे पहले आएगा और बैतुल्लाह पे हमला करेगा और बैतुल्लाह को फतह करता हुआ मदीने पहुंचेगा, मदीने जाकर कब्रे रसूल पे खड़े होकर पूछेगा ये कब्र किसकी है, जवाब मिलेगा मोहम्मद की कब्र है, कहेगा ये तो मेरा नाना है, साथ कौन दफन है, जवाब मिलेगा अबू बकर उमर दफन है, कहेगा कब्रों को फाड़ो, अबू बकर को निकालो, उमर को निकालो, दरख्तों पे टांगो और उन दरख्तों को आग लगा देगा। मुल्ला बाकर मजलिसी मलऊन मजीद लिखता है, आयशा की कब्र पे पहुंचेगा,
رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا، پوچھے گا یہ کس کی قبر ہے؟ جواب ملے گا عائشہ کی قبر ہے، قبر کو پھاڑنے کا حکم دے گا، عائشہ کے جسد اطہر کو باہر نکالے گا اور اس پہ درے مار کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حد قائم کرے گا۔ یہ کہنے والوں کے سعودی اور یمن کی جنگ، ایک ملک کی دوسرے ملک سے جنگ ہے، ہم حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، آل سعود کی حکومت کو بچانے کے لیے نہیں۔ ارے ظالموں، ان مجرموں کے جملے تو سنو، یہاں جنگ آل سعود کی حکومت کی جنگ نہیں ہے، یہاں جنگ ابو بکر عمر کی قبروں کی حفاظت کی جنگ ہے، بیت اللہ کی حفاظت کی جنگ ہے، مسجد رسول کی حفاظت کی جنگ ہے، عائشہ کی عزت کی حفاظت کی جنگ ہے۔ عراق کا وہ ظالم مجرم شیعہ، اس کا ویڈیو کلپ میرے پاس موجود ہے، اس میں وہ کہتا ہے لشکر جرار تیار ہو چکا ہے، ہم صرف امام مہدی کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، جو ہی وہ ظاہر ہوگا ہم سب سے پہلے بیت اللہ پہ حملہ آور ہوں گے، ہم سب سے پہلے مدینے پہ حملہ آور ہوں گے، اور وہاں اس مکہ اور مدینہ میں آنے کے بعد ان کی پلاننگ کیا ہوگی، اس کو شرک کا مرکز بنائیں گے، یہاں صحابہ کی قبروں کی توہین کریں گے، صحابہ کے مبارک اجساد کو نکال کر آگ لگائیں گے۔ دن ام فی ایران ندربهم حيثما تقتضي الضرورة، نحن جهزنا جيش ان شاء الله سنصلي في الحرمين الشريفين ان شاء الله. لم أفهم هذه العبارة، ماذا تقصد بأنكم ستصلون بالحرمين الشريفين؟ هل سيغزو هذا الجيش الحرمين الشريفين؟ سنقضي إن شاء الله على النظام السعودي الكافر الملحد وعلى كل الأنظمة التي تحارب الإسلام وتجهز شعوبها لمحاربة الإسلام ومحاربة النبي وتأييد إسرائيل وتأييد أمريكا. كيف ستحاربونهم؟ قلت أنه الإمام سلام الله عليه قريب الظهور وسيظهر إن شاء الله، وسنتوجه معه إلى السعودية لنحررها.